हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक जो MBBS सीटें हैं वो 6500 प्लस बढ़ गई है, और उत्तर प्रदेश में एज पर न्यूज, नॉट मैं नहीं बता रहा हूं, जैसे न्यूज में है, आप लोगों को भी पता है कि वहां पे 1300 सीटें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बढ़ने वाली है, और इसी साल से, क्योंकि वहां के सचिव ने बताया था कि इस साल से स्टार्टिंग कर रहे हैं और NHC का अप्रूवल मिल जाएगा जब काउंसलिंग शुरू होगा, तब तक ठीक है, ये पूरी चांसेज है। ठीक है, तो ये मान के चले तो 6500, ये अगर 1300 उसको देखते हैं तो ये अप्रॉक्स 8000 के सीटें जो है 8000 को भी क्रॉस कर लेगा इस बार, और यही एक चीजें हैं जो कटअप को शिफ्ट डाउन कर सकता है, और कोई भी रीजन नहीं है कटअप कम होने का। तो जो बचे बॉर्डर लाइन वाले हैं वो इसी पे भरोसा रखे, ठीक है, कि होप कि सीटें ज्यादा बढ़े और आपको जो है कॉलेज मिल जाए, जो 590 से ऊपर वाले हैं, ठीक है, 590 से पहले नीचे वाले तो बिल्कुल होप ना रखे, बैकअप लेके चले, ठीक है, और यूट्यूबर के चक्कर में ना रहे, नहीं तो फिर आपका टाइम बर्बाद हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें है, आप ध्यान में रखिए। अब ये सब कॉलेज मैंने आपको बताया था जहां पे सीटें बढ़ी है, और ये देखेंगे आप गवर्नमेंट और प्राइवेट को लेके, और ये सारे सीटें मैंने आपको बताया था। अब हम आपको देखिए, पुराने कॉलेज में भी सीटें बढ़ी है, ये आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं आप ये सारे। अब मैं लिस्ट बताता हूं आपको कि कहां कौन से स्टेट वाइज, जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस स्टेट में जो है कितना सीट बढ़ी है। तो ये मैंने आपके स्क्रीन पे, ये रहा डाटा, आंध्र प्रदेश में जो है 450 सीटें बढ़ी है, और पुराने कॉलेज में गवर्नमेंट की बात है, और 100 राजस्थान में, 300 असम में, 300 ये गवर्नमेंट की मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये लिस्ट है जो गवर्नमेंट की है, ये प्राइवेट है, ये पुराने कॉलेज में है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में भी 2 नए मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं इस बार, 200 सीटें उसमें बढ़ी है, और MP में 150, महाराष्ट्र 250, नागालैंड में 100 सीटें, उड़ीसा में 100, ठीक है, और तेलंगाना में 500, ठीक है। टोटल अभी तक जो गवर्नमेंट सीटें बन गई है वो 2400 है, और ये जो नई है, और पुराने कॉलेज में भी बढ़ी है जो सीटें जो आपके स्क्रीन पे रहा, और ये आप देख सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में भी सीटें बढ़ी है, तो प्राइवेट कॉलेज का कोई ये नहीं है। टोटल जो है ये सीटें जो है, जैसे मैंने आपको बताया, 6500 के अप्रॉक्स जो बढ़ चुकी है, और ये उसके लिस्ट है, ठीक है दोस्तों, जो पुराने कॉलेज में बढ़ी है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों है। तो हम लोग का मेन मतलब जो है, मेन जो है गवर्नमेंट सीटें को देखना है जहाँ पे आपको सीटें मिली, प्राइवेट में क्या बढ़ता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है दोस्तों। तो ये है, और चैनल पे नया आया है और तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, क्योंकि सारा अपडेट आपको यहाँ पे बताया जाएगा और गाइड किया जाएगा, चाहे अब्रॉड हो, इंडिया हो, प्राइवेट हो, फ्री काउंसलिंग हो, सब प्रोवाइड करेगा। और मेरा जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे फ्री काउंसलिंग के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। और चैनल पे नया आया है तो फिर लाइक कर दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।